दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। आज पुलिस द्वारा जो है शनिवार को लॉकडाउन के दौरान सख्ती की गई और चालान बनाए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। वीकेंड लॉकडाउन भी है तो आज किसी प्रकार की कोई गतिविधि अनुमत नहीं है, केवल दूध डेयरी और फल सब्जी। इसके अलावा तो निरंतर ये नाकों पे हम चेक कर रहे हैं कि काफी लोग बाहर निकल रहे हैं और आज अनुमत श्रेणी में नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको क्रॉस चेक किया जा रहा है, हर आदमी हॉस्पिटल जा रहा हूँ इस तरीके के बहाने बना रहा है, पर क्रॉस चेक करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देख रहे हो कि आज सैटरडे है, सरकारी ऑफिसेज भी बंद है, फिर भी लोगों की भीड़ काफी बढ़ रही है, इसलिए एक एक वाहन को चेक किया जा रहा है और जो अनुमत श्रेणी में है उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। और इसके अलावा यदि बिना किसी कारण के कोई बाहर घूम रहा है तो उसको संस्थागत जो क्वारंटाइन का सरकार का आदेश है, मंडोर में जो संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है वहाँ भी भेजा जा रहा है। यदि बिना किसी कारण के कोई घूम रहा है तो उसके वाहन भी सीज किए जा रहे हैं। एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और जो भी लीगल प्रोसेस है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये भी देखने में आया है कि कुछ लोग मेडिकल इमरजेंसी के तहत भी बाहर निकल रहे हैं तो उन लोगों को अलाउ किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी आए हैं जो वैक्सीन के नाम पर बाहर निकल रहे हैं, जब उनका मोबाइल चेक किया जाता है, दस्तावेज चेक किया जाता है तो उसमें वो झूठ पाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ भी निरंतर कार्रवाइयाँ की जा रही है, सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें, तभी उनका कोरोना से बचाव होगा।